गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज टूडे योर टॉपिक इज मॉडल वर्ब्स, जो कि हम प्रीवियस दो वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और इनमें कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे आपकी मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, कल हमने मे, माइट को डिस्कस किया था, तो आज हम शैल, विल और शुड को डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका ये जो है शैल, विल और शुड जो है ये कैसे यूज़ होता है और किन चीज़ों के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गाइज जैसे शैल और विल, टेंस में मैंने आपको पढ़ाया था कि शैल और विल जो है दैट विल इंडिकेट योर फ्यूचर टेंस, ये आपके फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम शैल और विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब शैल इज़ यूज विद द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है आई, वी, इन सब के साथ क्या यूज़ होता है, शैल यूज़ होता है। ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए कि हम फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे वी शैल गो टू, जैसे मैं लिख रही हूँ शैल के लिए, We shall go to Delhi tomorrow. हम कल कहाँ जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे। ठीक है, हम अगले कल, मतलब this shall indicates the future tense कि हम अगले कल ऐसा करेंगे कि कहाँ जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे। तो shall जो है वो आपका future tense को भी indicate करता है, same आपका will भी future tense को इंडिकेट करता है। तो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल का यूज़ बहुत ही कम कर दिया है, शैल की प्लेस पे भी हम विल का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब शैल को हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज़ करते हैं, जब कोई कमांड की बात हो रही हो, जब कोई प्रॉमिस करना हो, तो हम शैल को सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कमांड के लिए यूज़ किया शैल को, तो कैसे हम लिखेंगे, यू शैल गो देयर, तुम वहां जाओगे। ठीक है, तो दिस इज द कमांड ऑफ ए पर्सन। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपसे कह रहे हैं, कोई आपका ऑफिस में कोई आपसे, आपका बॉस कह रहा है कि आपको वहां जाना, मतलब आप वहां पे जाएंगे, तो दिस इज द कमांड। तो जब भी हम कमांड देने के लिए भी हम शैल का यूज करते हैं। अगर आप यहाँ विल का, यू विल गो देयर, तो आपको मतलब डेफिनेटली वहां जाना ही है, तो विल पे भी आपका ये रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन हम कुछ पर्टिकुलर जगह पे शैल का भी यूज कर देते हैं। जैसे आप प्रॉमिस में करते हैं, यू शैल गेट, यू विल, यू सॉरी, यू शैल गेट अ रिवार्ड। ठीक है, यू शैल गेट अ रिवार्ड, दिस इज द प्रोमिस, ये तब होता है जब हम प्रोमिस करते हैं कि यू शैल गेट अ रिवार्ड, तुम क्या लोगे, एक रिवार्ड लोगे, कि ये क्या है, मैं प्रोमिस कर रही हूँ कि इसे तुम्हें क्या मिलेगा, एक रिवार्ड मिलेगा। तो ये सब क्या है, आपका शैल का यूज़ है, जो आपका फ्यूचर के लिए भी होता है, आपका कमांड के लिए भी यूज़ होता है और आपका प्रोमिस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब शेम इसका इसकी जो नेगेटिव फॉर्म आएगी वो शैल नॉट होती है। जब भी हम नेवर का, जैसे हम नेवर का यूज़ करते हैं, शैल नेवर, यू शैल नेवर लैक मनी, कि तुम्हें मनी की कभी भी कमी नहीं होएगी, तो हम इस तरीके से शैल नॉट का भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आपको पता होगा इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी ऐसे बनाई जाती है, जैसे हम नॉट का डू नॉट, जैसे डू नॉट, दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द डू नॉट। ठीक है, तो इस तरह से भी हम यूज करते हैं शैल नॉट को, हम क्या करते हैं उसका नेगेटिव के लिए हम शैल नॉट को यूज कर देते हैं। तो ये आपका शैल का यूज है। अब मैं विल का पढ़ाऊंगी, क्योंकि हम आजकल ज्यादा क्या यूज कर रहे हैं, विल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे विल का यूज। अब विल का यूज भी हम किसके लिए करते हैं, आपका फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए, टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टेंस। ठीक है, जैसे ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी क्या करेगा, हेल्प करेगा, तो दिस इंडिकेट्स द फ्यूचर टेंस कि आगे आने वाले समय में वो आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब इसी का नेगेटिव तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही विल नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी हेल्प
नहीं करेगा. तो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का आपका क्या आएगा? फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. ये टेंस में हमने सब डिस्कस किया था, इंटरोगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है. तो ये आपका फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है. अब विल जो है वो आपका विलिंगनेस के लिए भी, जब आपकी सॉरी जब आपकी इच्छा होती है किसी चीज के लिए, तो विलिंग विल हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द विलिंगनेस, प्रॉमिस एंड इंटेंशन. आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें सेम उस पर यूज होती है. जैसे प्रॉमिस के लिए हम के शैल का भी यूज करते थे, विल का भी यूज करते हैं. ठीक है, अब प्रॉमिस के लिए हम विल का यूज कैसे करेंगे? जब भी हम कोई प्रॉमिस करते हैं, जैसे आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा जितना कि तुम चाहते हो. ये विलिंगनेस ऑफर कर रहे हैं हम किसी को. जैसे विलिंगनेस के लिए I will help you as I will help you as much as I can. मैं तुम्हारी help करूंगा जितना कि तुम जितना as much I can, जितना कि मैं कर सकता हूं मैं तुम्हारी उतनी क्या करूंगा, help करूंगा. तो ये आप willing हो रहे हो ना, आप इच्छा कर रहे हो कि मैं इतनी तुम्हारी वो करूंगा. लेकिन this is not the promise, ये promise नहीं है. वो कह रहा है जितना मेरे से हो सकेगा उतनी मैं तुम्हारी क्या करूंगा, help करूंगा. This shows the willingness of a person, कि आप क्या will कर रहे हैं, आप express कर रहे हैं willingness. अब intention और promise, जब आप intentionally कुछ बोलते हैं कि आप properly ये करेंगे, आप promise कर रहे हैं. जैसे प्रॉमिस जहां आपका इंटेंशन, इंटेंशन और प्रॉमिस जब भी आप करते हैं, जैसे हम लिखेंगे वी विल अराइव या वी विल रीच देयर इन टाइम. हो सकता है आपने किसी को टाइम दिया हो, तो आप बोलेंगे वी विल रीच देयर इन टाइम, हम वहां पे टाइम से पहुंच जाएंगे. तो दिस इज द प्रॉमिस. बोलते हैं ना कि हाँ इंटरव्यू है आपका, तो आपको टाइम पे पहुंचना है, तो आप बोलते हो हाँ मैं बिल्कुल डेफिनेटली टाइम पे पहुंचूंगा. तो ये आपकी प्रॉपरली इंटेंशन होती है कि आपको वहां पर जाना ही है. और कई बार आप किसी पे आप प्रॉमिस भी करते हो, हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बिल्कुल टाइम पे आ जाऊंगा. तो ये सब क्या आपकी इंटेंशन और प्रॉमिस है, जब भी आप विल का यूज करते हैं. अब विल आप डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं किसी चीज को बताने के लिए. जैसे जब आप डिटर्मिनेशन शो करते हैं कि आप ऐसा काम कर लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपकी डिटर्मिनेशन होगी. जैसे आपने विल का पढ़ लिया विलिंगनेस के लिए, आपने इंटेंशन और प्रॉमिस के लिए, और थर्ड वन इज योर डिटर्मिनेशन. तो डिटर्मिनेशन के लिए, फॉर डिटर्मिनेशन वी यूज विल का हम यूज करते हैं. जैसे आई विल टीच हिम अ लेसन. आप डिटरमाइन कर रहे हैं कि नहीं आप ये काम क्या करेंगे, ये आपकी डिटर्मिनेशन है कि आप ये काम करेंगे. कि आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे क्या पढ़ाऊंगा, एक लेसन पढ़ाऊंगा. हो सकता है किसी ने गलत किया हो, तो फिर आप बोलते हैं कि नहीं मैं उसे एक लेसन पढ़ा दूंगा. जब आपके घर में कोई और है जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे एक लेसन पढ़ाऊंगा. अगर मैं यहाँ पे मॉडल वर्ब हटा दूं, तो दिस आल्सो इंडिकेट्स अ फ्यूचर टेंस. तो विल आपका फ्यूचर टेंस को ही इंडिकेट कर रहा है. अब रिक्वेस्ट के लिए भी आप यूज करते हैं. मैंने कुड का भी बताया था कि दैट कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन उधार पे दे सकते हो. इसी तरीके से कुड की प्लेस पे आप विल का भी यूज करते हैं, आप रिक्वेस्ट और इनविटेशन के लिए. ठीक है, विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ कॉफी और टी. ठीक है, तो आप विल का और वुड का, आप विल का सेम यूज कर सकते हैं. जैसे विल यू प्लीज lend me a me ये आपका क्या हो गया, रिक्वेस्ट होगी. ठीक है,
विल यू प्लीज लेंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन उधार पे दे सकते हो, यूज करने के लिए दे सकते हो। तो विल भी आपका क्या है, रिक्वेस्ट के लिए यूज करता है। अगर आप यहाँ पे कुड का यूज करोगे दैट इज ऑल्सो करेक्ट, आप कैन का यूज करोगे तो वो भी करेक्ट है, लेकिन ये विल और कुड जो है दैट इज मोर पोलाइट देन द कैन। तो आज हमने इसको डिस्कस कर लिया, विल और शैल का क्या है। तो कल हम शुड का डिस्कस करेंगे, वुड का डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो मॉडल्स बच गए उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में इतना सब डिस्कस करूंगी तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि कैसे किस चीज को कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये आपका विल और आपका कैन, कुड, मे, माइट और शैल और विल का यूज हो गया। विल और शैल आपको पता चल गया कि ये हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, हर सेंटेंस में ये फ्यूचर को ही इंडिकेट कर रहा है और कुछ में हम इसकी रिक्वेस्ट के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो आई होप गाइज यू ऑल अंडरस्टैंड द मॉडल वर्ब्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.